दोस्तों ये कोर्स बनाया इसलिए गया था कि स्किल्ड जनरेशन बने आगे जाकर, स्किल्ड स्टूडेंट्स हों, मतलब कि स्किल के बारे में सिखाया जाए, क्योंकि स्किल को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया इन कोर्सेज पर कि आपको प्रैक्टिकली बताया जाए क्या क्या होता है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट आप तभी बनेंगे। दोस्तों अक्सर ऐसे कई सारे कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हो जिन कोर्सेज के बारे में आप ठीक से नहीं जानते। ठीक से नहीं जानते का मतलब कि पूरी नॉलेज आपको नहीं है, और इसी मामले का फायदा उठाती है यूनिवर्सिटीज या फायदा उठाता है कोई भी वो व्यक्ति जो आपका एडमिशन करवा रहा है। बी वोकेशनल के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे सवाल थे लोगों के दिल में बी वोक को लेकर, बहुत सारे सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछे, जो 5 सवालों पर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से ये 5 सवाल पूछते हैं तो मेरा मानना है ऐसा कि वो आपको ठीक जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वो लूप पॉइंट्स हैं, ये वो कमियां हैं जो बी वोक कोर्स तो कराया जा रहा है बट वो इन चीजों को फॉलो कर नहीं रहे हैं। बी वोकेशनल की ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि 60% तो प्रैक्टिकल है, 40% थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल करवा कैसे रहे हैं? प्रैक्टिकल तो बिना स्टूडेंट का करवा ही नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो आपका कोर्स इनवैलिड हो जाए, किसी काम का ही ना रहे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग से क्या वैकेंसीज आती हैं? ऐसे कई तरह के सवाल आपके दिल में जो हैं, सभी के जवाब दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए बी वॉक की 5 गलतियां, 5 चीजें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों बी वोकेशनल कोर्स क्या बोलता है? 12वीं आप पास आउट हो तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, मतलब आपने 12वीं पास की है तो आप इसमें एडमिशन आसानी से ले लोगे, क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट, कोई किसी तरह का एंट्रेंस तो होता है नहीं। 50-60% आपके मार्क्स है, 12th आपने कंप्लीट की है, आप जाकर बी वोकेशनल में एडमिशन ले लोगे, बी वोक में एडमिशन ले लोगे। दोस्तों ये कोर्स बनाया इसलिए गया था कि स्किल्ड जनरेशन बने आगे जाकर, स्किल्ड स्टूडेंट्स हों, मतलब कि स्किल के बारे में सिखाया जाए, क्योंकि स्किल को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया इन कोर्सेज पर कि आपको प्रैक्टिकली बताया जाए क्या क्या होता है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट आप तभी बनेंगे। पर आप बनेंगे तो तभी जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ये कोर्स ये भी बोलता है कि 60% प्रैक्टिकल होना चाहिए और 40% ही इसके अंदर थ्योरी होगी। तो थ्योरी आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या ऑनलाइन पढ़ रहे हो? दोस्तों सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना है अपनी यूनिवर्सिटी से कि क्या इस यूनिवर्सिटी को ऐसी कोई परमिशन है या ऐसा कोई भी एक ऐसा लेटर मिला हुआ है जहां ये यूनिवर्सिटी इस कोर्स को ऑनलाइन करा सकती है। दोस्तों ऐसा कोई लेटर किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, ऑनलाइन इस कोर्स को नहीं कराया जा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाना बहुत जरूरी है। वो प्रैक्टिकल आप किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हैं बट आप वो करते नहीं है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो आगे जाकर आपके साथ समस्या हो सकती है। बाकी यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज कर रही है और आप साथ में ही कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ये डिपेंड आप पर करता है, यूनिवर्सिटी पे करता है, बट ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई कानून नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन ये कोर्स कंप्लीट करवा दे। ये था पहला सवाल जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पूछना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्लानिंग आप कर रहे हैं या फिर आप ले चुके हैं, ताकि और स्टूडेंट्स को पता चल सके। और साथ में ही फीस भी बताना, किस कोर्स की कितनी फीस उस यूनिवर्सिटी ने मांगी, ताकि स्टूडेंट्स तक पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों पहुंच सके। अब दोस्तों आता है दूसरा सवाल, क्या यूनिवर्सिटी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स ले सकती है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया हमारी पिछली बहुत सारी वीडियोस में। दोस्तों ऐसा होता है कि हम जब वीडियोस बनाते हैं तो एक ही वीडियो में सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते, बहुत घंटों की वो वीडियो बनेंगी, तो इसीलिए 5-5, 6-6 मिनट की, 10 मिनट की वीडियोस अलग अलग पार्ट में लेनी पड़ती हैं, और साथ में ही आपके सजेशंस भी आते हैं। आप पूछिए अपनी यूनिवर्सिटी से क्या आप मेरे ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स लेने का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, और अगर है तो यूनिवर्सिटी से उसका लेटर मांग ले। यूनिवर्सिटी बेशक से आपको एडमिट कार्ड इशू कर रही है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की तो ये भी चीज जानने को मिली मुझे कि यूनिवर्सिटीज एडमिट कार्ड इशू ही नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है आपके साथ में, मतलब कि ई एडमिट कार्ड दे दिया, वहां पर यूनिवर्सिटी की स्टैम्प तक नहीं है, साइन तक नहीं है, तो दोस्तों गारंटी विदाउट गारंटर इज नथिंग, यूनिवर्सिटी गारंटर नहीं है आपकी, वो एडमिट कार्ड कहां से आपको मिल गया? प्रॉब्लम हो सकती है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि कोई सर्कुलर आया हो
ऐसा हो सकता है कोई लेटर आया हो, वो हम तक नहीं पहुंचा, पर मैं आपको बता दूं ऐसा कोई सर्कुलर वैसे तो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आया नहीं है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको इसका कुछ जवाब दे सके कि ऑनलाइन ये यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स करवा कैसे रही है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पूछना चाहिए कि अगर हम बीवोक में एडमिशन लेते हैं, बीवोकेशनल में हम एडमिशन लेते हैं, स्किल्ड प्रोग्राम है, हमें स्किल के बारे में बताया जाएगा जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, तो क्या ये कोर्स वैलिड होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए? मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी तो क्या ये कोर्स वैलिड है, और क्या बीवोक के लिए स्पेसिफिक कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती भी है या नहीं? दोस्तों ऐसी कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं मेंशन है, आप पर पूछें, क्योंकि जो एक स्टूडेंट वहां पर बीएमएलटी कर रहा है, प्रैक्टिकली सब कुछ सीख रहा है, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो क्या ये कोर्स उसी की तरह बिल्कुल इक्विवेलेंट है? जिस तरह से बीएससी एग्रीकल्चर का एक स्टूडेंट ने कंप्लीट कोर्स तरीके से किया, आयकर उसका अप्रूवल देता है, तो क्या इन कोर्सेज को भी पूरी मान्यता का दर्जा मिला हुआ है? ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से जरूर पूछें, क्योंकि बी वोकेशनल बी वो कोर्स के आते ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने एक सिस्टम बना लिया पैसा कमाने का, और हजारों लाखों स्टूडेंट्स इसकी तरफ चल पड़े पूरी इंफॉर्मेशन बिना लिए, और बहुत सारे लोग बरगलाते हैं स्टूडेंट्स को, पूरी इंफॉर्मेशन देते भी नहीं है। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन का होना आपका अधिकार है, क्वालिटी एजुकेशन लेना आपका अधिकार है, और ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों फीस देकर फीस की रसीद डिग्री के रूप में ले लेना किसी काम की नहीं है दोस्तों। डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में, या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं चौथे पॉइंट की, चौथी क्या बात आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पूछनी है। चौथी बात दोस्तों आप अपनी यूनिवर्सिटी से जरूर पूछें कि वो आपकी क्लासेस को किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो बी वो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन प्रोग्राम तो है नहीं, और डिस्टेंस में ये कोर्स कोई करा नहीं सकता, पार्ट टाइम का ऐसा कोई अप्रूवल है नहीं, तो कोर्स को कराया कैसे जा रहा है? अगर वो रेगुलर है तो आप तो क्लास लगा ही नहीं रहे हो, क्लास नहीं लगा रहे हो तो 60% जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे मैनेज किया जा रहा है? जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी में आपको 6 महीने की स्किल्ड बताई गई, 6 महीने की स्किल्स सिखाई गई, कुछ भी सिखाया गया, क्या वो उसका कोई सर्टिफिकेट देगी, कोई डिप्लोमा देगी, क्या कोई सर्टिफिकेट या कोई भी लेटर इशू करेगी? ये सवाल आपको पूछना जरूर चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से कोर्सेज डिस्टेंस या ऑनलाइन नहीं चलाए जा सकते, उसी वीडियो में ये कवर होता है दोस्तों, जो नोटिफिकेशन 2022 का था, मैंने डिटेल वीडियो बनाई है अपने इसी चैनल पर, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। हालांकि आपको नियम और कानून जो है, जो यूजीसी बोलता है, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट कौन करता है? यूजीसी 1956 का एक एक्ट है, जिसमें 2F में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं दोस्तों, और सभी यूनिवर्सिटीज बाउंड हैं यूजीसी की सभी चीजों को मानने के लिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर देगा, कोई भी गाइडलाइन पास होंगी, वो सभी देश का कानून है, उसी तरह से यूजीसी का कोई भी ऑर्डर दिया गया सभी यूनिवर्सिटीज को मानना होगा, और ऐसा कोई भी गाइडलाइन कहीं पर है नहीं। अगर आपको गाइडलाइन मिले तो दोस्तों हमें भी आप जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप करें, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर उसका लिंक डालें। अब दोस्तों पांचवी हम बात करें कि पांचवी जो चीजें आपको जाननी चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने वो कोर्स किया, क्या यूनिवर्सिटी के पास उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स हैं? यूनिवर्सिटी कहां पर वो स्किल दे रही है आपको, कहां पर आपको वो चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, किस तरह से वो आपको नॉलेज दे रही है, ज्ञान दे रही है, एजुकेशन दे रही है, क्या उसके लिए ट्रेनिंग कराने के लिए क्या उनके पास वो चीजें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास फैकल्टीज कैसी हैं? ये बहुत सारी चीजें आपको दोस्तों जाननी चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज जो कराए जाते हैं बीवोक में, क्योंकि वो सभी कोर्सेज रेगुलर मोड पे कराए जाते हैं, बट उसके लिए बीवोक एक नई एक स्कीम निकाली गई कि उसके जरिए भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए इसके साथ साथ में कि जो बीवोक कराया जाएगा उसकी फीस कितनी होगी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस है, जहां पर कि 20,000 रुपए पर ईयर से
लेकर लोग 50,000 रुपए पर ईयर तक आपसे चार्ज करते हैं। वैसे नॉर्मली फीस देखी जाए तो 25,000 रुपए पर ईयर या 30,000 पर ईयर की फीस इनफ है। अच्छी यूनिवर्सिटी से भी आप इस फीस में कर सकते हैं। दोस्तों बी वोक कोर्स के रिगार्डिंग आप और क्या जानना चाहते हैं या क्या आप जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, बताएं नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए बीवोक के बारे में। और साथ में दोस्तों ये जरूर बताएं कि आपने किस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है बीवोक में, या फिर किस यूनिवर्सिटी से बीवोक में एडमिशन लेने की आप तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है हम आपको कुछ बातें बता सकें उस यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।